समय में जिस तरीके से सिमरी बख्तियारपुर में हमें 25,000 वोट मिला और उसके साथ देखकर बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी झुकना पड़ा और हमारे सामने में झुककर हमारे साथ गठबंधन किया और 2020 के चुनाव में 11 सीट और एक MLC देने का काम किया और आज फिर से साबित कर दिया बिहार के निषाद समाज ने, बोचा के निषाद समाज ने कि मजबूती से VIP पार्टी के साथ है और आने वाले समय में बगैर VIP पार्टी के सहयोग से बिहार में किसी का सरकार नहीं बनेगा और आज 11 सीट नहीं आने वाले समय में VIP पार्टी के सामने में झुकना पड़ेगा और बिहार के सत्ता का बड़ा से बड़ा चाबी VIP पार्टी को देना पड़ेगा। ये आज बिहार के हर किसी एक व्यक्ति को जानकारी है कि बिहार में मुकेश सहनी के पास अकेले कितना बड़ा ताकत है। आज भाजपा हो या JDU हो, हम पार्टी हो या पारस जी की पार्टी हो, चार पार्टी मिलकर 45,000 वोट लाए और मैं अकेले अपने दम पर आप लोगों के सहयोग से 30,000 वोट लाया, ये हमारी जीत है और यही जीत को बरकरार रखना है। समाज में बीच में आपस में भाईचारा बनाना है, बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाना है। अभी हम लोगों को किसी का गुलाम नहीं बनना है, हमारे पास वोट है, हमारा अपना भाई अपना बेटा आने वाले समय में बिहार के एक नंबर कुर्सी पे बैठेगा और मजबूती से बिहार में हर जाति धर्म के लिए, हर गरीब पिछड़ा के लिए हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे और जब तक आपका साथ रहेगा। आज मेरे शरीर में एक ऊर्जा भर गया कि मैं इतना शक्तिमान हूँ, शक्तिशाली हूँ कि आपका साथ है, आज हमारे पास इतना वोट बैंक है तो आज फिर से हमें लड़ाई लड़ने का हौसला बना। एक समय आपने साथ दिया, बिहार में लड़ाई लड़के चार विधायक बनाए, मंत्री बने, आज फिर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, आने वाले समय में 40 विधायक बनाएंगे। आज मंत्री नहीं, हम कई मंत्री को आने वाले समय में बनाएंगे। तो ये अभिनंदन पूरे बोझा विधानसभा में हर पंचायत में पार्टी के लोग जाएंगे और इसी तरीके से अपना खुशी हर गांव में जाके बांटना है और लोगों को मजबूत से साफ रखना है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 साल के बाद फिर चुनाव होना है, 2024 में फिर चुनाव होना है और आने वाले समय में लड़ाई है दिल्ली का और आपके पास 2-4-5 सांसद बन जाएगा तो निश्चित तौर पे दिल्ली में भी आपका कब्जा होगा और बिहार में भी आने वाले समय में। ये तो स्पष्ट हो चुका है कि VIP पार्टी जिसके साथ नहीं रहेगा उसका नैया डूबना तय है। तो ये हमने पहली बार नहीं, ये दूसरी बार मैंने साबित किया। इससे पहले सहरसा जिला में सिमरी बख्तियारपुर में हमने वहाँ पे लड़ाई लड़ा, 25,000 वोट लाया और वहाँ पे JDU नीतीश कुमार जी की पार्टी 15,000 वोट से हार गए और यहाँ पे हमने चुनाव लड़ा, हमने 30,000 वोट लाया, 5,000 वोट भर गया और यहाँ पे 36,000 वोट मंत्री को उतार दिए। उसके बावजूद भी क्या हुआ, हमारे पास 30,000 और आपके पास 45,000 वोट। तो आज कहीं ना कहीं हम जीते हैं और इसका जश्न आप लोग मनाइए, कहीं पे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपका भाई आपका बेटा सनत मल्ला रहेगा तब तक निषाद समाज का मान सम्मान, अति पिछड़ा का मान सम्मान होगा। इस तरीके से हम लोग आने वाले समय में पहनने का काम करेंगे, इसलिए आप सभी को मजबूती से पार्टी के साथ रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आप लोग यहाँ पे युवा साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उसके अलावा अभी मिठाई बंट रहा है, उसके बाद भोज भी होगा, आप लोगों के बीच में आएंगे और भोज भी होते रहेगा ताकि ऐसे लोग जो लोग VIP पार्टी को हराने का काम कर रहा था ऐसे लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।